Hello dear students, today we will see the surprising action of a transistor. जब transistor को active bias कर दिया जाता है तो वो कैसा अपना action, कैसा अपना behavior हमारे सामने represent करता है that actually surprises us. तो हम वही action transistor का इस time study करने जा रहे हैं. ठीक, उसके लिए पहले हम biasing देख लेते हैं for एक्टिव ऑपरेशन. अगर ट्रांजिस्टर का हमें एक्टिव ऑपरेशन कराना है तो पहले नंबर पर एमीटर बेस जंक्शन को हमें कैसा करना है भाई, हमें फॉरवर्ड बायस करना है, और दूसरे नंबर पर कलेक्टर बेस जंक्शन को हमें क्या करना है, रिवर्स बायस करना. ठीक, ये दोनों जंक्शन हमें एक साथ फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड करने हैं. अगर हम ऐसा करते हैं तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करेगा. ठीक, एक ट्रांजिस्टर की एग्जांपल लेता हूं मैं. सपोज अब मैं पूरा डिटेल डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा. ओके, सपोज इट इज एमिटर, इट इज बेस एंड इट इज कलेक्टर. ठीक है, और मैं इसके अंदर ये भी लिखता हूं इसकी कौन सी टाइप है. सपोज इट इज एन टाइप, सो इट विल बी पी टाइप एंड इट विल बी एन टाइप. ठीक, तो बिफोर एक्टिव बाइसिंग हम इन दोनों जंक्शन की अलग अलग फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग देखते हैं कि ये क्या करता है. ये कैसे होगी, जो हमारा ये वाला जो जंक्शन है एमिटर और बेस वाला, इसको हमें फॉरवर्ड बायस करना है. मींस एन टाइप मटेरियल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, सो दैट दिस जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस्ड. ओके, बात समझ में आती है. अगर मैं यहां 5 वोल्ट दे दूं, टिपिकल वैल्यू, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्चुअल रीडिंग यही हो. अगर मैं यहां 5 वोल्ट दे दूं, व्हाट वी एक्सपेक्ट कि यहां एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, और ये जो करंट है मैं किस कैरेक्टरिस्टिक से निकालता हूं, ये पीएन जंक्शन की ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें यहां पर वोल्टेज और यहां पर करंट होता है, तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है. सपोज मैं 5 वोल्ट देता हूं, तो चाहे जर्मेनियम से बना हुआ हो ये पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, चाहे सिलिकॉन से बना हुआ हो, ये फायर हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा. और सपोज इसके यहां पर सपोज 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो करने लगता है, सपोज इट इज सपोज ए ट्रिप टिपिकल वैल्यू, तो ये जो करंट होगा ये कौन सा करंट होगा, आई ई, ये एमीटर का करंट होगा. बात समझ में आती है आप लोगों के. ठीक, और यही करंट बेस में जा रहा है तो ये करंट कौन सा होगा, यहां पर आई बी होगा, जो कि बराबर है किसके, आई ई के. ठीक, 20 मिली एम्पियर ऐसे करंट फ्लो करने लगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये इंजेक्ट करने लगा किसके अंदर, बेस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगे और करंट ऐसे फ्लो करने लगा. ठीक, बिकॉज ऑफ दिस 5 वोल्ट. तो यहां पर क्या था, हमने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया बेस एमिटर जंक्शन को, और सपोज ऐसा एक करंट फ्लो करने लगा. ओके, तो मिली एम्पियर का करंट फ्लो करता है हम जानते हैं फॉरवर्ड पीएन जंक्शन में, तो ये मिली एम्पियर का एक करंट फ्लो करने लगा. यहां पे मैंने क्या किया था कि बेस एमिटर जंक्शन को या एमिटर बेस जंक्शन को मैंने फॉरवर्ड बायस किया था, जो कि एक्टिव बायसिंग का एक हिस्सा है. मैं दूसरे नंबर पर एक दूसरा काम करने जा रहा हूं, इसी ट्रांजिस्टर को ठीक, ये वही ट्रांजिस्टर है और यहां पर एमिटर है, ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर. ओके, ये पी टाइप, ये एन टाइप एंड दिस इज पी टाइप. नाउ आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन बेस कलेक्टर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन,
और कलेक्टर जंक्शन को हम एक्टिव ऑपरेशन के लिए क्या करते हैं, रिवर्स बाइस करते हैं। ये पी टाइप मटेरियल है तो इसको मैं निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा, ठीक, और यहां पर मैं एन टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा। तो बेस को मैं यहां मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया था, तो यहां मैं एनपीएन कर देता हूं इसको, ट्रांजिस्टर मुझे एक सा रखना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और क्योंकि ये एनपीएन अब हो गया तो यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा, ठीक। तो यू मस्ट नोट दैट करेक्शन, ओके। तो पी टाइप बेस को मैं नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा और एन टाइप कलेक्टर को मैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये कैसा जंक्शन हो जाएगा, ये वाला जो जंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। रिवर्स बाइस के केस में हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, रिवर्स बाइस के केस में जो करंट होता है इट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ओनली, और इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स और नैनो एम्पियर्स इन केस ऑफ जर्मेनियम डायोड। और अगर सिलिकॉन डायोड, अगर सिलिकॉन पीएन जंक्शन होगा तो फ्यू मिली एम्पियर्स होगा, तो ये फ्यू माइक्रो एम्पियर्स होगा, ये 20 मिली एम्पियर था। मैं यहां पर ये करंट इस डायरेक्शन में सपोज 5 माइक्रो एम्पियर का करंट मैं मान लेता हूं, ये भी मैंने ज्यादा माना, सपोज ये करंट फ्लो करने लगा क्योंकि रिवर्स बाइस है, तो इस डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा। ये कौन सा करंट है, ये बेसिकली आई बी है, जो कि किसके बराबर हो गया है इस टाइम, आई सी के बराबर हो गया है। ये किसके बराबर है, ये बेसिकली आई सी है। ये बात समझ में आती है आप लोगों के, ठीक। अब दूसरे, अब मैं तीसरे स्टेप में क्या करता हूं, इन दोनों को एक साथ फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग दे देता हूं। तो इसी फिगर में मैं अमेंडमेंट कर सकता हूं, मैं लेकिन दूसरी बनाता हूं। सपोज दिस इज अवर ट्रांजिस्टर, दिस इज अवर एमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर, एंड अगेन द ट्रांजिस्टर इज सेम, इट इज ऑफ एन पी एन ट्रांजिस्टर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एन को एन से मैंने कनेक्ट कर दिया और ये पी टर्मिनल यहां पर आ गया, पी मटेरियल से कनेक्ट कर दिया, और यहां पर फिर इस पी को नेगेटिव से और कलेक्टर जो एन टाइप का था उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब मैं इनका दोनों का नाम लिख देता हूं, सपोज इट इज वी ई ई एमीटर को कनेक्ट हुआ है, सपोज इट इज वी सी सी क्योंकि ये कलेक्टर को हमने कनेक्ट किया, अभी हम इन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि ये जितना करंट था ये 20 रहे और ये 5 माइक्रो एम्पियर रहे, और ये जो बेस करंट है यहां पर ये 5 माइक्रो एम्पियर था, यहां पर कैसा था, ये 5 माइक्रो एम्पियर था, और यहां पर ये कैसे कितना था, 20 मिली एम्पियर था। बात समझ में आ गई, तो 5 माइक्रो एम्पियर में से, सॉरी 20 मिली एम्पियर में से 5 माइक्रो एम्पियर को घटाएंगे तो कितना बचेगा, मैं बताता हूं आपको, 20 × 10⁻³ और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 5 × 10⁻⁶ को। बात समझ में आती है क्या, ये कितना हो जाएगा, 20,000 × 10⁻⁶ माइनस 5 × 10⁻⁶, 20,000 में से 5 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 19,995 × 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा 19.995 मिली एम्पियर। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, 19.995 ये क्या हो गया आपका, मिली एम्पियर हो, क्योंकि यहां पर ये माइक्रो, यहां पर ये एम्पियर बन रहा था, फिर इसको मिली एम्पियर में बनाने के लिए हमने क्या किया कि 19.995 कर दिया। तो ये जो करंट था हमारा इस डायरेक्शन में ये होना चाहिए था 19.995
मिली एम्पियर और ये हमारा 5 माइक्रो एम्पियर रहता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 20 मिली एम्पियर इधर से आया, 5 माइक्रो एम्पियर इधर चला गया, 19.995 एम्पियर करंट इधर चला गया, वापस ये आके यहाँ मिल गया और दोबारा इधर चलाने लगा। बात समझ में आई? लेकिन हम एक सरप्राइजिंग एक्शन क्या देखते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि ये करंट इस तरीके से फ्लो करने लगे। हम जो एक्चुअल बात देखते हैं वो देखते हैं कि यहां पर तो ये 5 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करने लगता है ऊपर की तरफ, और यहां पर 19.995 मिली एम्पियर करंट फ्लो करने लगता है। ये कैसा था? ये मिली एम्पियर करंट। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये उल्टा हो जाता है, ठीक, और वापस आके यहां पर दोनों मिलते हैं और वापस इधर करंट फ्लो करने लगता है। और इस वक्त जो इक्वेशन होल्ड करती है वो क्या करती है? IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक। ये इक्वेशन तो हर वक्त होल्ड करती है, लेकिन जो बेस करंट जिसको हम फ्यू मिली एम्पियर्स या ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस बेस करंट को हम पाते हैं कि वो बेसिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स है, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियरली ये है कि अगर हम बेस को इंजेक्ट कराने का कोई तरीका ढूंढ लें, यानी बेस को किसी तरीके से फायर करने का या बेस तक कुछ माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कराने का तरीका ढूंढ लें, तो एमिटर और कलेक्टर के बीच में एक कनेक्शन कायम हो जाता है और ये बेस जो है बेसिकली कंडक्टिंग हो जाती है। बात समझ में? इसको आगे और डिस्कस करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, ये करंट एक फ्लो करने लगता है यहां से लेकर कलेक्टर से लेकर और एमिटर तक, एनपीएन ट्रांजिस्टर में थ्रू बेस ये करंट जो फ्लो करने लगता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस 5 माइक्रो एम्पियर सिग्नल। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? हालांकि हम पहले यह समझ रहे थे कि यहां पर 19.995 मिली एम्पियर करंट होगा, बट ये बहुत मामूली सा करंट है जिसको आगे जाके हम पढ़ेंगे कि बेसिकली ये ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करने के लिए ये करंट हम इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में? तो ये बड़ा एक सरप्राइजिंग एक्शन था जो बेस करंट है और कलेक्टर करंट है उसके इंटरचेंज हो जाने का, ठीक। अब इस एक्शन को और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हम ट्रांजिस्टर की पूरी बात समझ पाएं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। एक किताब है मेरे पास, मैं उसके स्नैपशॉट आपको प्रोवाइड करूँगा जिससे आप उसको पढ़ लें और मैंने जो कुछ बोला है उसको टेक्स्ट में भी आप समझ सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।